हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक एशिया टेलीकॉम टीम की तरफ से। और आज हमारी एमएमसी की क्लास चली है, तीसरे दिन की क्लास हुई है। और चलिए हम सरप्राइज़ देते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तीन दिन में एमएमसी क्या पढ़ा है और पहले दिन से लेकर अभी तक का जो भी इन्होंने पढ़ाई की है उसके बारे में भी कुछ पूछेंगे इनसे। तो चलिए क्लास में चलते हैं। किसी को मालूम नहीं कि नहीं आ रहा और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं है, ये सरप्राइज़ है। यहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या क्लास है और क्या कॉन्सेप्ट सर दे रहे हैं। सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे, एक एक स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या है, इन्होंने क्या सीखा, क्या समझा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमएमसी की क्लास चल रही है और यहाँ पे मिलन सर है। सर थोड़ा आपकी क्लास को ज़्यादा इंटरप्ट नहीं करेंगे हम यहाँ पे, और कुछ बच्चों से मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आपकी इजाज़त हो तो बात कर ली जाए बच्चों। हाँ, से बात कर लीजिए। हमारी आज की एमएमसी की डे थ्री की क्लास है और इन्होंने पेस्टेड आईसी भी सीपीयू तक खोल लिया है। और आज प्रोग्रामिंग की राइटिंग की क्लास चल रही है, जैसे ऑनलाइन फोन कैसे राइटिंग करना है, यूएफएस चिप हुआ तो क्या करना है, डबल डेकर सीपीयू हुआ तो क्या करना है, ये सारे सवाल के जवाब ये देख सकते हैं। कॉपी में भर भर के लिख रहे हैं ये देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसा भी नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा भी मिस्टेक हो रहा है। तो आप चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमारे स्टूडेंट को, कुछ भी। सर आप क्लास इंटरप्ट नहीं करने देंगे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने पढ़ाई जारी रखूंगा, आप थोड़ा बहुत कर लीजिए। ठीक ठीक है। नंबर सिक्स होगा क्या? सो यहाँ पर चलिए अभी हम इनसे बात करेंगे, थोड़ा सा लाइट जला देंगे यहाँ पे। तो वहाँ से जरा लाइट जला दीजिए। हेलो, वहाँ से लाइट जरा जला दीजिए एक सेकंड के लिए। नंबर वन से। हाँ, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम विराट है। विराट जी कहाँ से हैं आप? मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। आज एमएमसी की कितने दिन की क्लास होगी आपकी? सर तीसरे दिन की क्लास है। तीसरे दिन की क्लास है तो यहाँ पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको कोई सा भी फोन दे दें, कोई सा भी सीपीयू दे दें रीड करने के लिए, डंप रीड करना हो, राइट करना हो, तो आप रीड करके राइट कर पाएंगे? एकदम सर, एकदम मजेदार मखमल, एकदम मलाई जैसा, एकदम मलाई जैसा कर लेंगे, एकदम मलाई जैसा एकदम सर। चलिए ठीक है। और मैं बात करना चाहूंगा डे वन से लेके आप आज 21 दिन का क्लास हो गया आपका, है ना? तो पहले दिन में आपने रिवॉल्विंग की थी, ठीक है, और तीसरे दिन में आपने चालू फोन से पावर निकाला था और चौथे दिन में आपने सीपीयू किया था और उसके बाद देव सर के साथ में आपका सेक्शन हुआ था। वो तो सर सेक्शन तो मजेदार सेक्शन था। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट से लाइव पूछ रहे हैं, थोड़ा सा क्लास को इंटरप्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा इनसे जानकारी ये भी लेना चाहेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इनको पढ़ाई गई हैं और आज एमएमसी पढ़ रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि डेड सेक्शन जो देव सर के साथ में हुआ था कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट सर, खास करके डेड सेक्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप कोई फोन को नहीं बना सकते, किसी भी फोन को नहीं बना सकते। आप डायग्नोस ही नहीं कर सकते, डायग्नोस ही नहीं कर सकते तो करेंगे क्या सर? और हालांकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली चीज़ है जिसमें नेटवर्क बोलते हैं, जिसको नेटवर्क बोलते हैं, तो अभी वो नेटवर्क फॉल्ट आप रिपेयर कर पाएंगे? सर बहुत ही आसान है, नेटवर्क तो आ रही है हमारे लिए, लेकिन देखने वालों के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए सर, क्योंकि हम ऐसे टेलीकॉम आए हैं, ऐसे टेलीकॉम जो भी आएगा उसे ज्ञान भरपूर मिलने वाला है, ये तो गारंटी है, गारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ। आप गारंटी ले रहे हैं? मैं गारंटी देता हूँ। पैसा वसूल है? पूल पैसा वसूल सर, कुछ कहना ही नहीं है। ये जो नोट्स बनाए हैं आप, कितना इंपॉर्टेंट है? डे वन से आप नोट्स बना रहे हैं? बहुत दिन, मैं जब से आया हूँ तब से नोट्स बन रहा है हमारा, और नोट्स की कमी नहीं है, नोट्स तो पूरा है, नोट्स से ज्यादा ज्ञान हमें यहाँ ज्यादा मिलता है, जो मुझे ज्ञान मिलता है वो नोट्स में कभी नहीं मिल पाएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनसे बात की है और यहाँ पे एक एक बच्चे से एक एक दो दो मिनट बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये है हमारा फीडबैक डे वन से लेके अभी तक का फीडबैक है। बाकी भी बच्चे बाकी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कैसा है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, एक एक क्यों लाइव लेंगे हम यहाँ पे। नाम है आपका? मेरा नाम राजू मौर्या सर। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से हैं, यूपी। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कैसा रहा क्लास आपका पहले दिन से लिए अभी तक की क्लास की बात करूँ तो? सर पहले दिन से और आज तक, आज मेरा 20 या 21 दिन है। और 21 दिन के क्लास में अगर मैं आपसे बात करूं तो कैसा रहा 21 दिन का सफ़र? नंबर वन सर। नंबर वन जी। तो जो देव सर के साथ में सेक्शन हुआ, एक एक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो सेक्शन सर के साथ में हुआ वो प्रैक्टिकल में आपको मिला कि नहीं? जी थ्योरी विद प्रैक्टिकल मिला हमको। तो प्रैक्टिकल होना कितना ज़रूरी है? प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी सर, प्रैक्टिकल होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि थ्योरी आदमी कर लेता, अगर प्रैक्टिकल नहीं करेगा, दो चार दस दिन नहीं करेगा तो सब भूल जाएगा। इसीलिए साथ में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ के साथ ही होते हैं। जी सर, दोनों साथ में ही होता है। तीसरे दिन में आपने चालू फोन से पावर आईसी निकाल के फोन चालू किया था? जी। और चौथे दिन में सीपीयू? हाँ चौथे दिन में सीपीयू भी निकाला सर, लगाया फिर। और स्किल के बाद में बात करूँ तो देव सर के साथ में जितने भी सेक्शन हुए हैं वो सारे सेक्शन आपको क्लियर हैं? जी सर, देव सर का जो थ्योरी प्राप्त कराने का मामला है वो
कहते हैं कि वर्ल्ड में नहीं तो इंडिया में नंबर वन टीचर है वो, मतलब बहुत बड़े चीज को बहुत छोटे से सरल शब्दों में आसान से। अभी तक कोई ऐसे टीचर को देखा है, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट को फॉलो किया है जो देव सर के तरह हार्डवेयर का थ्योरी दे पाए? नहीं, हमने तो नहीं देखा सर, देव सर के मुकाबले कोई टीचर ऐसा होगा नहीं होगा जी, हमने भी नहीं देखा। तो ओवरऑल मैं अगर मैं बात करूँ आपसे, जो डेट सेक्शन देव सर के साथ में आपका हुआ है और नेटवर्क सेक्शन हुआ, तो क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? सर तो कोई बात ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये डेट सेक्शन में आदमी समझ ही नहीं पाता कहाँ क्या करना है, और दूसरी बात यह है कि नेटवर्क का जो मामला होता है, नेटवर्क तो किसी भी दुकानदार के पास या कोई भी इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से नहीं बताता है। सही बात है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि जीरो से लेवल इंड लेवल तक बताया गया कहाँ से सप्लाई कहाँ क्या होती है, कैसे क्या होती है और किसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ बनती है, क्या कैसे होता है। तो सारा जो नेटवर्क सेक्शन हो, डेट सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, लाइट सेक्शन हो, कोई सा भी सेक्शन हो, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में मिली है कि नहीं? जी प्रैक्टिकल मिली सर। तो क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर के लिए सर तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात ही नहीं है, सबसे बड़े गुरु मंत्र मेरे वही हैं, सबसे बड़े गुरु मेरे वही हैं, बाकी कोई नहीं सर। चलिए ठीक है। ओवरऑल एमएमसी की क्लास बहुत अच्छी चल रही है कि नहीं? एमएमसी क्लास सर नंबर वन चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये एशिया टेलीकॉम के जितने भी टीचर हैं, देव सर ने बहुत ही मतलब एकदम सटीक तरीके से रखा कि मतलब किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं कह सकते, मतलब हर चीज़ का एक निष्कर्ष निकाल के रखा है कि मतलब एक फार्मूला। अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं जी, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, जैसे अगर कहा जाए तो कोई स्किन का है, कोई किडनी का है, कोई लीवर का है, तो इस तरीके से सब सेक्शन बटे हुए हैं और सब सेक्शन में हर टीचर को डीपली नॉलेज है। अच्छा एक बात पूछना चाहेंगे कि अगर आप यहाँ पे देखिए 6 टीचर हैं जी, 6 टीचर का स्किल आपको मिल रहा है, अगर आप कोई अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी एक टीचर का स्किल मिलेगा जी। तो 6 टीचर वाले इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए या फिर किसी एक टीचर वाले इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना चाहिए? सर एक टीचर का मामला ये होता है कि एक टीचर हर चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएगा, नहीं बन सकता। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि 6 टीचर है तो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में एक एक सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं कि मतलब अगर मर्ज पकड़ना है तो 2 मिनट के अंदर जो जिस चीज का स्पेशलिस्ट है वो तुरंत पकड़ लेगा। चलिए ठीक है। ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे आपके हिसाब से कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? यदि कोई बंदा इस सेक्टर में आना चाहता है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, घर से तो निकलना पड़ेगा, और ये तो खाली सोच कर रह जाएगा तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और रही बात ये कि अगर आना चाहता है, कहीं पर जाना चाहता है, तो सबसे पहले एशिया टेलीकॉम आए और यहाँ पर सीखे, अपनी लाइफ बना ले। पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल के यहाँ पर जो पैसा लगता है वो पैसा ना के बराबर लगता है, एक बार पैसा लगेगा लाइफ टाइम आपको बैकअप मिलता रहेगा यदि कोई समस्या पड़ती है तो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है अमित जी, कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इनसे पूछना चाहूँगा डे वन से लेके आपका जो क्लास चला है देव सर के साथ में हार्डवेयर का क्लास, उसके बारे में पूछना चाहूँगा। पहले दिन से लेके हार्डवेयर क्लास खत्म होने तक का क्या रिस्पॉन्स रहा? सर बहुत अच्छा रहा, पहले दिन से अभी तक तो ऐसा हो गया कि हम लोग के मतलब नस नस में मोबाइल के पूरे पार्ट्स भर गए हैं कि कैसे क्या होता है, मतलब इतना अच्छे तरीके से बताया है सब सर ने। आप पहले दिन आए थे, जब पहले दिन आप आए थे तो आप कभी आईसी रिवॉल्व किए थे पहले? नहीं, आ सकते आईसी निकालता ही था मैं, सिर्फ ऊपर काम करता था, आईसी वाला काम कभी नहीं करता था। और अब तो आप पावर आईसी, रिंगर आईसी, लाइट आईसी से लेकर सीपीयू एएमसी तक सबको मैं निकाल के वापस लगा सकता हूँ, ऑन बोर्ड से चालू होकर दिखा सकता हूँ। चालू पावर निकाल के लगाया? चालू पावर तीसरे चौथे दिन, मतलब जितने बार मिला मेरे को, जितने बार किया सब बार सक्सेस हुआ। कल भी मैंने 3 सीपीयू निकाले, 1 घंटे में 3 सीपीयू निकाल के रिवॉल्व करके वापस लगा दी थी। तो सक्सेस था? सक्सेस 100% था। चौथे दिन में आपने सीपीयू निकाल के लगाया था? चौथे दिन सीपीयू निकाल लगाया। और अभी मैं बात करूँ जो डेट सेक्शन हुआ देव सर के साथ में, बहुत ही शानदार था, स्टेप बाय स्टेप जो बताया है वैसा तो आज तक ना मैं कभी YouTube में देखा, ना कभी गूगल में, ना कहीं पे किसी टीचर से सुना था कभी। और जो नेटवर्क सेक्शन हुआ, नेटवर्क भी शानदार, स्टेप बाय स्टेप इतना अच्छे से बताया, मतलब एक छोटे से कंपोनेंट से लेके पूरे आईसी तक अंदर तक पूरा नॉलेज दे दी, टिप से लेके टॉप तक पूरा। चलिए ठीक है। अभी मैं बात करूँ एमएमसी का 3 दिन का क्लास, आप जितना भी इंटरफेस में खुलता है डाटा, वो सारी डाटा को रीड कर पाएंगे? पूरा बिल्कुल, 3 दिन में इतना मिलन सर ने तो जो जानकारी दी वैसा तो मैं आज तक कभी सुना भी नहीं था जो इतना मिलन सर ने। और मैं बात करूँ डंप रीड करना और डंप राइट करना, वो तो सर 2 मिनट का काम है, अब तो पहले जानते भी नहीं थे लेकिन 3 दिन में तो अब 2 मिनट काम हो गया हमारे। और कौन से सीपी में कौन सा सिक्योरिटी फाइल होता है ये पता आपको? सब हमने स्टेप बाय स्टेप सब सीख लिया है पूरा। चलिए ठीक है। पैसा वसूल, जैसा कि हम बोलते हैं पैसा वसूल
लग रहे हैं? पैसे को पूछो ही मत सर, इतना पैसा वसूल हो गया है कि अब तो लगी नहीं, 55,000 भी लगता है कि बहुत छोटी रकम हो गई है, कम हो गई है, छोटी रकम हो गई है। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के सेटलकॉम ज्वाइन करना चाहते हो? आप आइए, आप आइए, पता कर अपने हिसाब से पहले पता कर लीजिए, फिर एक बार तो आओ, एक बार बिना आप आए बिना यहाँ जज बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ का बिल्कुल मत सोचिए। मैं भी सोच रहा था लेकिन जब आया तो मेरे को पता चल गया कि नहीं है, कुछ तो है यहाँ पे जो यहाँ पे लोगों को खींच के लाता है, जबकि मतलब बिना उतना इनका प्रचार भी नहीं, फिर भी लोग यहाँ इतने आते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद है सर। नौशाद जी कहाँ से हैं? प्रतापगढ़ यूपी से हैं। प्रतापगढ़ यूपी से हैं, और चलिए अभी इनसे बात करते हैं। कैसा जा रहा है आपका क्लास? बहुत अच्छा जा रहा है सर, आज मिलन सर एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एमएमसी बहुत अच्छे से समझाए, आज समझ में आ रहा है कि कितने फ़ोन वापस चले गए मेरे जो मैं बना सकता था पहले दिन से लेके अभी तक। अच्छा सर, बहुत अच्छा सफ़र रहा है। अगर मैं पहले दिन आपको एमएमसी क्लास में बैठा दूँ तो? नहीं सर, वो तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा सारी चीज़ें, जरूर पर थोड़ी जा पाएंगे। हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, या फिर एमएमसी हो? यस सर। फोन को कंप्यूटर में सर्किट जैसे कंप्लीट होता है वैसे ही दोनों लगता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एमएमसी तीनों होना जरूरी है सर। तो यहाँ पर मैं आपसे बात करूँ तो तीसरे दिन आपने चालू फोन से पावर निकाला था? यस सर। यस सर। फोन चालू भी किया था? यस सर। चालू भी हुआ था? यस सर। चलिए ठीक है। चौथे दिन में आपने सीपीयू निकाला था? यस सर। फोन चालू हुआ था? यस सर। चलिए खुद किए थे। बाकी अगर मैं बात करूँ जो सर के साथ में आपका सारा सेक्शन हुआ, जो सर के साथ में वो सारे सेक्शन थ्योरी हुआ है, बस प्रैक्टिकल भी हुआ? नहीं, प्रैक्टिकल भी हुआ है। प्रैक्टिकल भी हुआ है, 6 घंटे थ्योरी, 6 घंटे प्रैक्टिकल, मान के चलो 12 प्लस ही रहता है रोज, 12 घंटे प्लस ही रहता है। हम लोग खुद सोचते हैं कब छोड़ दें सर, भूख लग गई है, चले जाएं। यहाँ पे एक एक बच्चों से प्रैक्टिकल कराया जाता है? यस सर, सब खुद कर रहे हैं, तो लाइव चल रहा है, देख सकते हैं, सबके सामने माइक्रोस्कोप, SMD, DC मशीन सब पड़ा है, सबके सामने सारे टूल उपलब्ध हैं, सब काम कर रहे हैं अपना। प्रैक्टिकल सर मतलब ध्यान भी देते रहते हैं कि कौन कौन नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। चलिए ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूँ, अभी आप EMMC की क्लास चलिए तो किसी भी तरीके का कोई सा भी CPU हो तो उसका डंप रीड करना और राइट करना, सिक्योरिटी का बैकअप लेना, पता है? यस सर। सच बता रहे हैं? एक फोन भी है MT का सर चालू किया, आगे आगे फॉलो हम ही कर रहे थे कि क्या कोई ऐसा क्लास हुआ हो जो आपको लाइव ना मिला हो? नहीं नहीं, सब मिलता है, सारे क्लास लेके, सॉफ्टवेयर लेके, EMMC सारे क्लास, सारे सर, सारे। यस सर। तो यहाँ पे किसके फोन रिपेयर होते हैं, बच्चों के या फिर हमारे? नहीं सर, मैं तो मान के चलो फॉल्टी फोन खुद बताया जाता है अपना लेके आए, अगर खुद से बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो हम खुद लेके आए हैं A3S, अभी देखेंगे उसको उसी आधार पर बनाएंगे। तो पैसा वसूल, जैसा कि हम बोलते हैं पैसा वसूल है कि नहीं? ऐसे की बात ही नहीं है, सीखने हैं काम, अच्छे सीख जाए, पैसा तो बहुत कमा लेंगे हम आगे। चलिए सही, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। हमेशा ही एक ही वे में काम। सो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश कुमार सर, मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं जी सर। तो अभी आपकी 21 दिन की क्लास हो गई? जी सर, 21 दिन की क्लास हो रही है सर। और 21 दिन की क्लास में कोई एक भी आपको डाउट? जी डाउट तो नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है सर। जितने भी सेक्शन हुए सारे सेक्शन क्लियर हैं? जी सर, क्लियर हैं। और अभी मैं बात करूँ जो तीसरे दिन की बात चलिए करते हैं हम यहाँ पे, तो तीसरे दिन की क्लास में आपने क्या किया था? लाइव चालू फोन से पावर निकाला था? जी सर, लाइव चालू फोन से पावर निकाल के लगाए और सेट को चालू भी किए। जी सर। और चौथे दिन में CPU? जी सर, चौथे दिन में CPU को निकाला लगाया। ठीक सर, चालू किया था आपने? जी सर, मैंने खुद अपने फ़ोन में अपने से चालू किया सर। और मैं बात करूँ यहाँ पे लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, टच सेक्शन, मतलब जितने भी सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन आपको प्रैक्टिकली मिले हैं कि नहीं? जी सर, प्रैक्टिकल मिले हैं और मैंने खुद अपने हाथों से किया है सर। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल मिला? जी सर, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी मिला सर। अभी जो EMMC की क्लास चल रही है आपकी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं सर, तो सारी चीज़ें समझ में आ रही है? जी सर, सारी चीज़ें समझ में आ रही है। एशिया टेलीकॉम इज जिसको कहा मिराकल, नेक जादू ही, पहले दिन ही आपको अगर CPU रिवॉल्व करने के लिए उसमें भी एक्सटेंसिल से सर करवाया, यूनिवर्सल से हम लोगों को करवाया, मिराकल सर। कभी सोचे भी नहीं थे कि डायरेक्ट CPU रिवॉल्व होता है, तो फर्स्ट दिन ही हमको लगा कि एशिया टेलीकॉम इज मिराकल। यहाँ के जितने भी हमारे सर हैं, देव सर हैं, दीपक सर हैं, MD सर हैं, अनिल सर हैं, अभी हमारे MMC के क्लास चल रहे हैं, मिलन सर हैं, और हम यहाँ पे जितने भी हमारे सर हैं एक से एक लेवल बढ़ के हैं सर जी।
चलिए ठीक है। ओवरऑल जैसा कि हम बोलते हैं पैसा वसूल हो रहा है आपका? सर वो तो फर्स्ट दिन बोले एशिया टेलीकॉम इज मेरा कॉल नहीं बोले सर जी, फर्स्ट दिन में ही सीपीयू लगाए तो पैसा उसी दिन मेरा वसूल हो गया सर। अच्छा पहले दिन में इनका पैसा वसूल हो गया सर। तो चलिए अभी ये तो बोनस में लेके जा रहे हैं सर। बोनस मिला जो देव सर के साथ में डेट सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन के बारे में। गजब सर, बाप रे, देव सर के बारे में क्या बोले। डेट जो सर समझ में नहीं आया करता तो उसको इस तरह से डेट के बारे में समझाया कि माइंड में बैठ गया कि देख करके ही बता सकते हैं कि सर डेट सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और देख के सर जज भी कर सकते हैं और फोन चालू भी कर सकते हैं सर। देव सर खास करके मैं सारे टेक्नीशियन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि खास करके हम लोग भी काम कर रहे थे, हम लोग को परेशानियाँ होती थी, डेड फोन आया नहीं बना पाते थे, नेटवर्क सेक्शन में सबसे अधिक परेशानियाँ हुआ करती थी। लेकिन हम जो एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए सिर्फ नेटवर्क सेक्शन देख करके, जो हमारे देव सर यूट्यूब पर छोड़े थे उसको देख कर ज्वाइन किए थे। और हम आप फॉलो करते हैं यूट्यूब पर, सारे इंस्टीट्यूट को भी फॉलो करते हैं आप, और फॉलो करते होंगे तो हमारे देव सर ने जिस हिसाब से नेटवर्क सेक्शन के बारे में बताया है आज तक इंडिया लेवल में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो उन्होंने बताया है, जिसके कारण मैं भी एशिया टेलीकॉम के पास ज्वाइन किया। और आप सभी टेक्नीशियन भाई से मेरा एक ही निवेदन है, आग्रह प्रार्थना है कि आप एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए चाहते हैं तो मिराकल इज एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। पता तो होना चाहिए, बस उस पर लगे रहने से तो काम होने वाला नहीं। तो वही काम एक टाइम हम करते थे, अभी यहाँ पर आए हैं तो अपने को पता चला है कि हम किस चीज़ पे किस लिए काम कर रहे हैं, एक आईसी का रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ आईसी निकालना लगाना ये मेन चीज़ नहीं होता है, उस आईसी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, और फुलफिल करना ही मेन चीज़ होता है आईसी। सही बात है। तो ओवरऑल थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए आप, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? हाँ सर। जो भी क्लासेस आपकी हुई हैं देव सर के साथ में हार्डवेयर की, प्रैक्टिकली हुआ है या फिर कैसा हुआ है? प्रैक्टिकल एट फर्स्ट तो थ्योरी होता है सर, थ्योरी के बाद ही जस्ट 15-20 मिनट बाद ही प्रैक्टिकल का क्लास होता है। इससे जो है ना कोई भी चीज़ जो है ना आधा अधूरा अगर रहे तो माइंड में जो है ना क्लियर हो जाता है। अगर यही अगर थ्योरी हो सिर्फ प्रैक्टिकल ना हो तो मतलब समझना बराबर हो जाता है। ओवरऑल डेट सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन कैसा गया आपका? बेस्ट सर। बेस्ट गया? हाँ। और अभी एमएमसी की क्लास कैसा चल रहा है आपका? एमएमसी का क्लास तो सर बहुत ही बेस्ट चल रहा है, सब क्लास ही बेस्ट है सर। किसी को मैं कम और किसी को ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि एक मोबाइल को मैंने चालू करने के लिए ए टू जेड चीज़ चाहिए। ये नहीं बोलूँगा सिर्फ हार्डवेयर ही, मैं बिना पावर का फोन चालू तो होगा नहीं, बिना सीपीयू का फोन चालू तो होगा नहीं, इसलिए मैं बिना सीपीयू का फोन चालू होगा नहीं, तो सारी चीज़ें जरूरी है। इसलिए मैं किसी एक सेक्शन को बेटर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा सब सेक्शन ही ऑल इन वन हो तभी जाके एक फोन चालू होगा, अदरवाइज इनकम्प्लीट ही है सर। अगर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइन को या अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँ, हार्डवेयर को नहीं करूँ तो मैं आधा अधूरा टेक्नीशियन बनता हूँ। सही बात है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या देते हैं, फुल कोर्स देते हैं। अब कोई हमसे अगर हार्डवेयर का पूछता है अलग से, या फिर सॉफ्टवेयर का पूछता है अलग से, या फिर ईएमएमसी का पूछता है, तो हम उसको यही रिकमेंड करते हैं कि आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन, कंप्लीट सीखिए। तो कंप्लीट ज्वाइन करना जरूरी है कि नहीं? कंप्लीट ज्वाइन करना ही जरूरी है अगर उसको इस लाइन में परफेक्ट बनना है तो। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे थोड़ा व्यूअर्स को बताइए हमारे, क्या बोलना चाहेंगे जो आना चाहते हैं? व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर वो इस फील्ड में, अगर ये फील्ड उसका उनका पैसन है तो इस पैसन है तो एक सही जगह पे आके नॉलेज लीजिए। विदाउट एक परफेक्ट और सही नॉलेज का आप इस फील्ड में नहीं के बराबर ही हैं। बस वो आईसी खोलेंगे लगाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है ना। तो और एशिया टेलीकॉम मैं ये बोलूँगा, यहाँ पर ए टू जेड मैंने सिर्फ आप एक हार्डवेयर लेवल का ही काम सीख लेंगे, सॉफ्टवेयर का नहीं सीखेंगे, ईएमएमसी का नहीं सीखेंगे तो आपका मोबाइल बनने से रहा है ना, मोबाइल बनने से रहा, आपको परफेक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप टेक्नीशियन मतलब एक फ़ोन चालू नहीं कर पाएंगे, पंचर वाले हो जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। सो हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षदीप सिंह। कहाँ से हैं आप? जम्मू से हैं। जी सर। तो यहाँ पे आपकी क्लास कितने दिन की हो गई अभी? ईएमएमसी की क्लास कितने दिन से चल रही है? तीसरा दिन आज। और हार्डवेयर का क्लास 21 दिन हो गया अभी? जी सर। हाँ जी, हो गया। तो पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में सेटिस्फाई हैं आप? जी सर। चलिए यहाँ पे सेटिस्फाई हैं। तीसरे दिन में आपने चालू फोन से पावर आईसी निकाल के लगाया था? जी निकाला था। फोन चालू भी हुआ था? हाँ, ऑन हुआ था। और चौथे दिन में क्या किया था आपने? चौथे दिन सीपीयू निकाला था। तो चालू हुआ था? हाँ, हो गया था। तो 2G फोन था या 4G फोन था? 4G फोन था। 4G फोन था। तो अभी कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया था कि नहीं हो गया? नहीं, वो तो हुआ ही है। हो गया था जी। अभी आप कोई भी आईसी निकालने में और लगाने में डरेंगे क्या? नहीं, अब नहीं। नहीं डरेंगे? नहीं, अब नहीं। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? एशिया टेलीकॉम से आया। तो अभी मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि कैसा लगा अभी आपको पहले दिन से लगे अभी तक? अब तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल के लिए। कुछ भी कर सकते हैं जी। इजी हो गया जी? बहुत इजी हो गया। निकालना लगाना
इजी हो गया। हाँ, अब तो बट अब मैं बात करूँ सर्किट का, ऐसे निकालना लगाना तो हम चौथे दिन में ही बता देते हैं, लेकिन सर्किट का नॉलेज, सर्किट को पहले पढ़ना नहीं आता था, अब पढ़ना मतलब जान गए हैं कैसे। हाँ, अभी आपको पता था हम लाइव आने वाले चलती क्लास नहीं, अभी अचानक से आप पीछे आ गए थे। अचानक से आ गए। देखिए, ये हम जानना चाहते हैं कि अभी जो आपकी 3 दिन की EMMC की क्लास चली है, UFI का सारा डेटा जो आप एक आइडेंटिफाई करने के बाद जो डाटा मिलता है आपको, जो भी आपको इंट्रो मिलता है उसका, ये सारी चीजें आप उसको डायग्नोस कर पाएंगे? जी, कर पाएंगे। सर ने एक एक चीज हमें लिखवाई है कि कैसे करना है, अगर भूलती भी है तो कॉपी से हम देख के याद कर सकते हैं। जी, इजी हो गया कि नहीं? जी, बहुत इजी हो गया पहले से लेके अभी तक, अब तो बहुत ही आसान लग रहा है। जैसा कि हम कहते हैं पैसा वसूल हो रहा है, कब का हो गया है वो तो? कब का हो गया? जी, जो देव सर के साथ में आपका डेड सेक्शन का क्लास हुआ था, कैसा रहा वो? तो डेड सेक्शन हम पूरा डायग्नोस करना मतलब कि अब आसान हो गया, पहले तो ऐसे था कि डेड देखते रहना फ़ोन को, करें क्या ना करें, अब तो स्टेप बाय स्टेप कर सकें। पहले कर पाते थे ऐसे? नहीं, पहले नहीं कर पाता। और नेटवर्क से आने के बाद ही है जो भी मिला। और नेटवर्क सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क सेक्शन का भी काफ़ी अच्छा रहा देव सर के साथ हमें। लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा टफ, सबसे ज़्यादा हाई, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है नेटवर्क? नहीं, अब तो नॉर्मली हो गया, हर चीज़ यहाँ पे नॉर्मली हो जा रही है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। सॉफ्टवेयर कर पाएंगे सारे फोन का? सॉफ्टवेयर एकदम। और EMMC जो प्रोग्रामिंग है वो भी कर पाऊंगा? रीड करके राइट करना? जी सर। सिक्योरिटी फाइल कौन कौन से CPU में क्या नाम होता है सारे पता है? हाँ सर, पता है। पता है जी। तो ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे अभी से अभी पहले दिन से लेके अभी तक के क्लास में? मतलब कि पहले दिन से लेके अब तक मतलब प्रिपेयर करा दिया हमें। पैसा वसूल है पूरा सर? आपका हो गया? जी हाँ, मेरा पहले का हो गया। आपका पहले ही हो गया? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और इनको ज्यादा देर इंटरप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट बस टाइम लेंगे हम इनसे। तो चलिए बताइए कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। अभी जो क्लास चल रही है जो क्लास चल रही है हमारी EMMC की क्लास है, तीसरे दिन की क्लास है यहाँ पे, इनको बेसिक्स लेके तीसरे दिन की क्लास है, तो बहुत ज्यादा नहीं, रीड करना, राइट करना और UFI का जितना भी इंटरफेस होता है एक एक चीज के बारे में यहाँ पे बताया गया। और इनसे बात करेंगे पहले दिन से लेके अभी तक का कैसा रहा अनुभव? सर बहुत बढ़िया रहा। पहले नंबर फाइव लिखो। मैं हम लोगों से सर ने ओडिंग पूल से क्लैश कर रहा है। पहले दिन उसके बाद आईसी लगवाई थी एक फोन में, फिर तीसरे दिन में हमने अपने खुद के फोन से पावर आईसी निकाल के लगाई। चालू फोन था या बंद? चालू फोन था। चालू फोन था। और चौथे दिन में क्या किया था आपने? चौथे दिन में सर CPU रिवॉल्व किया था। CPU रिवॉल्व तो चालू का था या फोन बंद था? चालू फोन था। चालू किया था आपने? यस सर। इनका लाइव देख सकते हैं आप यूट्यूब पे या फिर आपको फेसबुक के पेज पे भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा आपको? सर बहुत बढ़िया। जो भी सेक्शन हुए हैं डेढ़ सेक्शन की स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो डेढ़ सेक्शन कैसा लगा आपको? सर डेढ़ सेक्शन बहुत अच्छा समझाया सर ने कि एक फॉल्ट कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, फॉल्ट को पकड़ना जानना चाहिए, पकड़ना तो डायरेक्ट आईसी नहीं उठानी कभी, मतलब जैसे कोई फॉल्ट आया तो डायरेक्ट CPU नहीं उठाना है, हमको पहले फॉल्ट समझना है, फॉल्ट आ क्या क्यों रहा है, पावर आईसी से आ रहा है कि फर्स्ट पावर आईसी से आ रहा है, सेकंड पावर PMI से आ रहा है, ये नेटवर्क की नेटवर्क की 2G IC से आ रहा है, ये सब हमको सर ने बताया। सर ने बताया और मतलब नेटवर्क सेक्शन बिल्कुल मक्खन कर दिया मक्खन हो गया। और डेड सेक्शन इजी हो गया कि नहीं? अलग अलग कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है? यस सर, अब बता सकते हैं फॉल्ट यहाँ से स्टार्टअप पता चल गया, एंड भी पता ही है, कहाँ पे आईसी बदलना है, कहाँ पे आईसी नहीं बदलना है, सिलिकॉन या तो फिर किरिंग CPU क्या बोलेंगे जो आपको देख करना है? मैं बोलूँगा आप एक बार पैसे लगा रहे हो, पूरा पैसा वसूल, ऐसा नहीं है कि कुछ भी टाइम वेस्ट होता। सर देखो अभी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ सेक्शन के लिए या तो फिर जो हवाई के हैंडसेट में आता है उस सारे फोनों को साथ में चला राइटिंग कैसे करें? पहले थ्योरी होती है फिर प्रैक्टिस। नंबर वन, फिर ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर ही मिलते हो आप? नहीं सर, एक समय पे बहुत सारे टीचर हमको पढ़ाने के लिए और सारे अपने 100 बार पूछते हैं, तब तक दिमाग में घुसता नहीं तब तक पूछते ही जाते हैं।
चलिए ठीक है, इसका बेनिफिट है कि नहीं है सर? है बहुत। क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के कोई आना चाहे तो? मैं तो कहूँगा सर आ जाइए, सोचो मत, आ जाओ डायरेक्ट, पैसा वसूल है। ट्रेन की टिकट कराओ, बस कराओ, जो करना है कराओ, आ जाओ। पहले सीट बुक कराइए, फोन लगाइए, यस सर, उसके बाद आइए। यस सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अरमान जी कहाँ से है? महाराष्ट्र से है ये। और आज क्या क्लास थी? क्लास चल रही है, क्लास है। आपको पता था सिंपल सरप्राइज है ना? तो सरप्राइज ही है, इनसे हम पूछने वाले कि इन्होंने क्या क्या पढ़ा। पहले क्या पहले और अगर वही मोबाइल का मैं राइट कर रहा हूँ वापस रीड करके राइट, तो लिखो। और अपने तीसरे दिन में पावर निकाल के लगाया, फोन चालू हुआ, चौथे दिन में सीपीयू निकाल के लगाया, बाद जो भी थी उसके साथ पूरा सेक्शन हुआ है, सारा लाइव हुआ है या फिर बस ऐसे ही? नहीं सर, जो भी सेक्शन हुआ है सारा लाइव, फुल डम, अच्छा क्लास। फोन रिपेयर हुए नहीं हुए? फोन रिपेयर, बच्चों के रिपेयर हुए फोन? जी सर, बच्चों ने खुद से बनाए। बिल्कुल। अभी EMMC की क्लास चल रही है हमारी, तीसरे दिन की क्लास हुई है। रीड करके UEFI का इंटरफेस बताया है, और डंप को रीड करना और राइट करना, और सिक्योरिटी का बैकअप लेना और राइट करना बताया है। बिल्कुल। चल रहा है भाई क्लास? हाँ सर, अभी चल रहा है। तो अभी आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? राइट, बिल्कुल सर, कर पाएंगे। तो इतना आसान सर समझा, इजी हो गया कि नहीं? क्या बोलना चाहेंगे, रेकमेंड करना चाहेंगे कि नहीं कि कोई ये टेलीकॉम ज्वाइन करे? सेम फोन का, सेम फोन, सेम फोन का डंपर रीड करके वापस आ सकता है। राइट करे तो IMEI बेसबैंड की फाइल राइट करने की जरूरत। थैंक यू सो मच। दो मिनट आप करेंगे हम तो छत्तीसगढ़ से। आप ये दोनों और बाकी सब समझे? तो अभी जो चीज सोच के आप यहाँ ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन किए, वो चीज आप बहुत अच्छा रहा जी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और पूछेंगे, आपने चालू पावर ऐसे निकाल के लगाया, चौथे दिन में आपने सीपीयू निकाल के लगाया, फोन चालू हुआ था, झूठ नहीं बोल रहा? नहीं, तो 4G फोन में भी लगाया था? 4G ऐसा नहीं बोल रहा है, बाकी सारे सेक्शन है, लोगों को लगता है डेट सेक्शन और नेटवर्क बहुत हार्ड होता है, हार्ड होता है? नहीं नहीं, क्यों नहीं होता? अच्छा खोलो, नॉलेज मिल गया, नॉलेज मिल गया इनको, नॉलेज। तो क्या बोलना चाहेंगे जो सर के लिए, जिन्होंने बहुत हैवी सेक्शन आपको बहुत प्रॉब्लम खोलो, सॉरी फेयर जो है प्रॉब्लम खोलो और कमी हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी जो लिखा हो राइटिंग वो किसमें होना चाहिए? इजी ट्रिक, एक तरफ प्रॉब्लम रहेगा, एक तरफ डब्ल्यू रहेगा, बहुत सरल भाषा में समझ। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा बात करना, देखिए पढ़ाने के लिए तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लगभग हजारों इंस्टीट्यूट हैं, पर आप स्पेशल इंस्टीट्यूट चॉइस क्यों किए? दो लोग की, तीन लोग की टीम है यहाँ पे? नहीं नहीं वैसा नहीं है, टोटल 6 टीचर है यहाँ पे, टोटल 6 टीचर। ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के एकदम ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं तो बोलना चाहता हूँ अगर किसी को रिपेयरिंग के फील्ड में जरूर जो क्लास चल रहा है आपको, आपको आप रीड करके राइट कर लेंगे, और सिक्योरिटी फाइल कौन से सीपीयू में क्या होती है ये सब सारी चीजें सर ने बताई, तो आप उसको रीड करके राइट कर पाएंगे आराम से कर लेंगे। देखिए इजी क्लास तो सब दे रहे हैं, लेकिन हम किस तरह देते हैं ये आपको यहाँ पे आने की बात पता लगे। आप लाइव देख रहे हैं, बच्चे के मुँह से सुन रहे हैं, तो ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? चंदन जी कहाँ से हैं आप? छत्तीसगढ़ से हैं आप। तो आप, मैं पूछना चाहूँगा कि आप दिल्ली मुंबई मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मेरा वहाँ क्यों नहीं जा, वहाँ ना जाके आप यहाँ क्यों हैं?
फिर मुझे लगा कि यहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो आपका डिसीजन जो आपने लिया था वो सही निकला या फिर गलत? बिल्कुल नहीं नहीं सही निकला, सही निकला, बिल्कुल सही निकला। आपने तीसरे दिन में पावन निकाल कर चौथे दिन में सर क्यों जी? और कोई ऐसा स्कीम है जो चौथे दिन में तीसरे दिन में पावर आई थी और फोन चालू करवा लेकिन यहाँ तो आई सी निकाल तो इसी में सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। जो देव सर के साथ में सारा सेक्शन हुआ है वो सारा प्रैक्टिकली हुआ है या फिर कैसा हुआ? प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों फुल टाइम, दोनों का फुल टाइम। टोटल कितने घंटे की क्लास देते हैं आप लोग? सर क्लास तो फर्स्ट डे का बोले तो 14-15 घंटे की हुई है। 14-15 फर्स्ट डे से लेकर 14-15 घंटे हो जाते हैं। देखिए 10 से 12 घंटा हम बोलते हैं, 12 घंटे पढ़ जाता है क्लास, इसलिए क्योंकि सारे बच्चों को हम वो देखना होता है। हाँ, एक टाइम में सभी को समझ नहीं पाता है, इसके लिए टाइम, इसके लिए टाइम आउट हो जाता है। तो 12 घंटे एक हमारा रेशियो है, 12 घंटे का क्लास तो दे ही देते हैं, बट एक्स्ट्रा देने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको जैसा लगता है उस हिसाब से हम देते हैं, बट 12 घंटे से कम क्लास नहीं देते। यहाँ पे जो 3 दिन की क्लास हुई MMC के बारे में पूछना चाहूँगा कि 3 दिन की क्लास कैसी लगी? काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा एक एक डिटेल में समझ आ रहा है। मतलब जो आप IC को आइडेंटिफाई करते हैं और एक एक कॉलम जो होता है, FG CFD क्या होता है, RPM भी क्या होता है, आपका एक एक CID क्या होता है, सारी चीज़ें आपको खुल के बताया गया है कि चीज कोडिंग को डी कोडिंग किया गया है। बिल्कुल, एक एक लाइन का नॉलेज दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी हम दिखा देना चाहेंगे, थोड़ा सा कॉपी दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे जो बुक है ये जो बुक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज़्यादा हम सोफ नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि डे वन से लेके अभी तक का क्या फीडबैक है आपका? देखिए डे वन जब हम लोग आए थे फर्स्ट डे बिल्कुल जीरो नॉलेज था, और अभी हार्डवेयर का चाहे रिबॉलिंग में कहें, चाहे IC लगाने में कहें, चाहे सेक्शन बाई नॉलेज कहें, चाहे सॉफ्टवेयर के नॉलेज कहें, दुर्गेश सर के साथ हुआ, देव सर के साथ हार्डवेयर का नॉलेज हुआ, और अभी MMC क्लास मिलन सर के साथ चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको देखे कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो? बिल्कुल, यदि कोई भी मेरे को देख के ज्वाइन करना चाहता हो तो ऐसा कर सकता है, और यहाँ पे जो रिजल्ट 100% मिलने वाला है। रेट सेक्शन इजी हो गया कि नहीं? बिल्कुल सर। और नेटवर्क सेक्शन? नेटवर्क सेक्शन भी, नेटवर्क सेक्शन भी। पैसा वसूलने से बोलते हैं? बिल्कुल आपका हुआ, ये फोन में क्या बताऊं? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कहना है कि ये फोन ट्रैकिंग के बाद क्या क्या बंद जैसे बिजली आया था लोगों में, तो बिजली आया था लोगों में, पहले से लेकर अभी तक क्या मोबाइल पर हो गया बंद? बहुत बढ़िया रहा। तीसरे दिन में आपने पावर चालू किया है, निकाला भी था, और CPU है, CPU भी निकाल के लगाया है, तो चालू हुआ। हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये सब चालू ठीक है। अभी जो देव सर के साथ में सेक्शन हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत बेहतर है। CPU का प्रैक्टिकल मिला, क्या करेंगे? MMC की क्लास जो चल रही है, 3 दिन की क्लास हुई MMC की, बहुत बात चल रहा है। सबसे पहले क्या करना है? तो डायरेक्ट करना है, क्यों नहीं लिखा हुआ है तो एक बार में 2 सीढ़ी बहुत कुछ, लेकिन 10 सीढ़ी बता पाएंगे कि इसमें रिकॉल करना है, चेंज करना है, प्रोग्राम करना है, जो इंटरफेस खुलता है, जो हम किसी भी MMC को डिटेक्ट करते हैं, तो एक इंटरफेस खुलता है रीड करके। बहुत भारी लगता है और बात करूँ आपके नेटवर्क सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन है तो बड़ा छोटा सा कर छोटा हो गया, पैसा वसूल लगे नहीं, पैसा खूब पैसा। क्या नाम है आपका? नेपाल से है। तो अभी मैं आपसे बात करूं कि कितने दिन की क्लास हुई आपकी? 21 दिन पूरा आपका क्लास हो गया 21 दिन का। 21 दिन से लेके अभी तक की मैं बात करूं, 20 पहले दिन से लेके 21 दिन की चली मैं बात करता हूं, तो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अभी जो क्लास चली है MMC क्लास चल रही है 3 दिन से चल रही है। तीसरे दिन में आपने चालू कौन से पावन निकाल के लगाया सर? और हम आईसी को क्या लिखा हुआ है सर, जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से लग रही है, कुछ भी मैं अलग नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा हुआ है वही बोल रहा है भाई। तो मैं सबसे पहले एक बात पूछना चाहूँगा, जैसा कि हम बोलते हैं पैसा वसूल, आपका पैसा वसूल हो रहा है? फुल्ली सर, फुल्ली पैसा वसूल है। चलिए ठीक है, अभी मैं बात करूँ कि जो MMC का जो हम यहाँ पर बताते हैं कंसेप्ट,
मतलब ईएमएमसी जरूरी है, हार्डवेयर सबसे पहले जरूरी है क्योंकि स्किल हार्डवेयर से ही आता है पहले दिन से। अगर आपको हार्डवेयर का नॉलेज ना हो, डेट सेक्शन डायग्नोस करने का नॉलेज ना हो, सॉफ्टवेयर का नॉलेज ना हो, तो ईएमएमसी कर पाएंगे डायरेक्ट? अगर मान लीजिए बिल्कुल नहीं करते हैं आप बैठा दें, ईएमएमसी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप किया तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ईएमएमसी तो नहीं पढ़ाते, पहले हार्डवेयर पढ़ाते फिर ईएमएमसी, स्टेप बाय स्टेप। तो अभी डेट सेक्शन और आपका नेटवर्क सेक्शन नहीं हुआ सर, बहुत ईजी हो गया पैसा वसूल जैसा कि हम बोलते हैं पूरा आपका हुआ सर? बताइए मक्खन हो गया और ब्लैक पेस्टेड की अगर मैं बात करूँ तो और मक्खन हो गया। अभी नॉर्मल आईसी से ईजी ब्लैक पेस्टेड लगता है? हमने क्या वादा किया था पहले दिन कि ब्लैक पेस्टेड हलवा करवाने का, तो आपके लिए हलवा हो गया? हलवा सच बताइए, सच बताइए। तो यहाँ पे बस आपका हलवा हुआ है कि बाकी सबका? सबका सर, सब सबका हो गया। चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के सभी कम ज्वाइन करना चाहते हैं? हाँ सर, करके आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विकास यादव, झारखंड से हैं। और यहाँ पे हम चलिए इनसे बात करते हैं, 21 दिन की क्लास हो चुकी है और तीसरे दिन की एमएमसी की क्लास है, तो बात करें पहले दिन से। पहले दिन से हम लोग कंपोनेंट्स का क्लास हुआ, उसके बाद सेक्शन बाय सेक्शन क्लास हुआ, उसके बाद सॉफ्टवेयर हुआ, अभी यूएमसी क्लास चल रहा है। सॉफ्टवेयर अभी यूएमसी की क्लास चल रही है। तो तीसरे दिन अपने चालू फोन से पावर निकाला था? यस सर, चालू हुआ था फोन, चालू हो गया। और चौथे दिन में क्या किया था? सीपीयू भी निकाली थी, सीपीयू भी चालू हो गया था। 4G फोन था, 3G फोन था, 2G फोन था? 4G फोन, 4G फोन था। तो मतलब तीन दिन में, चार दिन में पॉसिबल है कि चालू फोन से आदमी निकाल के सीपीयू निकाल के दोबारा से लगा ले, वो भी यूनिवर्सल से? अदरवाइज कहीं पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जो डेट सेक्शन हुआ देव सर के साथ में, क्या बोलना चाहेंगे डेट सेक्शन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। पहले हार्ड लगता था आपको? पहले बहुत हार्ड था, ऐसा टाइम में जो पहले ऐसा कुछ पता ही नहीं था, पहले हम लोग इधर से उधर काम करते थे, अब नॉलेज हो गया है, अच्छे से नॉलेज हो गया है। अभी कोई सा भी फोन आपको दे दे डायग्नोस करने के लिए कर पाएंगे? ऐसा कर ले, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि वीडियो में बस बोल रहे हैं आप? डायग्नोस कर लें, कोई भी सेट हो डायग्नोस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा जो नेटवर्क सेक्शन है उसके लिए क्या बोलेंगे? देखिए कोड बताया सर ने आपको, नेटवर्क किस हिसाब से किस कोडिंग से बनाना है आपको बताया सर ने? तो चलिए ठीक है, अभी ईएमएमसी की जो क्लास चल रही है, एक ईएमएमसी का स्ट्रक्चर जो भी खुलता है आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी उसका डाटा खुलता है उसको चलिए ठीक है, क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख के ऐसे एकदम जॉइन करने के बाद मुझे कौन सा टूल खोलना है? एंड्रॉइड। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र जी बहुत दूर से इंटरनेशनल स्टूडेंट है हमारे, तो चलिए इनसे मैं बात करूं कि उधर ही हो गया, हार्डवेयर में ही हो गया, हार्डवेयर में अभी बेनिफिट मिल रहा है, प्याज मिल रहा है। ओके है, अभी मैं बात करूँ पहले ब्रांड नेम ओके है, प्रोडक्ट नेम ओके है, सीआईडी सीएच ओके है, कौन सा निकाल कर बुटू आरपीएमबी की साइज ओके है, ओलाजीबी क्या आईसी है, पार्टीशन कॉन्फिगरेशन ये किसी मीडिया टेक की सबसे है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पूजी से काम करवाते हैं, कीपैड वाला फोन तो नहीं था, नहीं कीपैड वाला काम कराते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जो इनके साथ में जो इनका सही है बच्चों के साथ में जो लाइट सेक्शन होगा, अभी लाइट सेक्शन कोई सा भी आ जाए B8 और मैं बात करूँ सेक्शन करके झाड़ देंगे उतरने बहुत लेकिन और कोडिंग के साथ होता है, ये फोन डाल के पता कर लेंगे आपका काम करना है कि नहीं करना है ना। और डेट सेक्शन फॉर्मेट
इजी हो गया है। अब ये हो गया डी, तो थोड़ा सा अंदर देखिए, इनके लिए डेड सेक्शन बहुत डी में मुझे लग रहा था कहां से शुरू करना, कहां से खत्म करना है पता है। अब क्या करेंगे, ए डी है पूरा इजी है। डी करने के लिए मुझे क्या बोला जाए, कोई नेपाल से आता है इसमें, किसमें डी करना है, इंस्टीट्यूट में ना टेलीकॉम में आए ऐसा हो जाएगा आपका, हुआ हमारा तो पूरा हो गया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? पता था कि मैं लाइव आने वाला हूँ। नहीं सर, नहीं पता सही क्या जी सर, तो सरप्राइज इसलिए है क्योंकि अभी क्लास और इनसे जानना चाहते हैं कि जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो क्लास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बताइए क्या क्लास चल रही है क्या नहीं खराब होता है, ये सब सारी चीजें फेल हो गया, खराब हो गया आपको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सी आई डी क्या होता है ये पता है, बी और आप एमएमसी को आइडेंटिफाई कर उसमें बता पाएंगे कि कितने जीबी का एमएमसी लगा हुआ जी सर, कौन से ब्रांड का है, ये सब सारी चीज बता पाएंगे। अब ये है इतना जल्दी कैसे सर, अब बिना सर की अब ये क्या है, कोई भी फोन क्या हुआ खराब हुआ तो कोड क्या की मैं बात करना चाहूंगा अभी में आपने क्या चालू कौन से पावर निकाल के लगा निकाला सर, फोन चालू भी होता है एकदम चालू एकदम चालू होता है और निकाल के फिर लगाया और चालू में सीपी निकाल के चालू किया, चालू हो गया था फोन, चालू हो गया था। चलिए ठीक है, चालू सेट से निकाला, चालू सेट से उन्होंने निकाला था। यहाँ पे जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं ये सभी बच्चे चालू फोन से पावर सीपीयू और एक एक सेक्शन, ग्राफिक्स की बात करूँ, लाइट की बात करूँ, कोई ऐसा सेक्शन इस सेक्शन का आईसी निकाल के इन्होंने लगाया था और फोन को चालू न किया हो। बात करें यहाँ प्लास्टिक करने के बाद, प्लास्टिक करने के बाद निकाल के लगाया और दोबारा से चालू भी जी सर आपने किया, मैंने किया था। कौन सा फोन था वो, ओप्पो उन्होंने लगाया था, यहाँ पे सारे बच्चों ने लगाया था, लगाया था सर। चलिए ठीक है, अगर मैं बात करूँ तीसरे दिन में आपने पावर, चौथे दिन में सीपीयू और डेड सेक्शन कैसा रहा देवसर के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर खराब हुआ था, आप तो नहीं अटकेगा, नहीं अटकेंगे सरल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और नेटवर्क सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क सेक्शन भी एकदम सॉफ्टली से सब हो जाएगा, कर पाएंगे कोड को डिकोड कर पाएंगे आप सर जी सर। तो क्या बोलना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके छोटी मोटी टीम है क्या बहुत ये दो लोग की टीम है, आईसी का ब्रांड अगर इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट तो मुझे पैसा वसूल तो हो गया। चलिए इसका बेनिफिट पैसा तो वसूल है, बट इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जितने टीचर्स हैं सबका एक जी सर, आप अगर एक जगह पे एक टीचर से सीखते हैं तो आपको एक तरीके का एक तरीका मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने जितने टीचर है अपना तरीका है, रहता है तरीका होता है, तो ये सब सारा तरीका आपको एक ही जगह पे सीखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर किसी को जाना हो तो एक टीचर के वहाँ जाए या फिर यहाँ पे छह टीचर के पास आए, किसी की नॉलेज मिलेगा सर, ट्रिक भी मिलेगा। चलिए ठीक है, पैसा वसूल जैसा बोलते हैं आपका हुआ? ये सर वसूल हो गया सर, तो कैमरे में देख के बोलिए थैंक यू एशिया टेलीकॉम। लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। जाता हूँ आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल, आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने, आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर?
बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया करो? डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? आज सर ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट